इधर कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, उधर अमित शाह ने कर्नाटक में कर दिया खेल। कांग्रेस नहीं कर्नाटक में क्या बीजेपी की बनेगी सरकार? कौन है वो पांच नेता जो संभाल रहे ऑपरेशन लोटस? सोनिया गांधी को खुद मिलाना पड़ गया फोन। डीके शिवकुमार के इस फैसले से कांग्रेस में मच जाएगी भगदड़। कर्नाटक में जिस बात का डर था क्या अब वही होने जा रहा है? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इधर कांग्रेस के अंदर बवाल शुरू हुआ और उधर अमित शाह ने अंदर ही अंदर बड़ा खेल कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार मिली, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, कांग्रेस ने जश्न भी मनाया, लेकिन लगता है कि जश्न अब गम में बदलने जा रहा है। बीजेपी के एक स्पेशल टीम ऑपरेशन लोटस को कर्नाटक में संभाल रही है, तो क्या कांग्रेस के चाणक्य के डीके शिवकुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और ये धाकड़ अफसर कौन है जो शिवकुमार की राह में रोड़ा बन रहा है? इससे पहले बीजेपी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा जैसे प्रदेशों में भी ऑपरेशन लोटस को सफल बना चुकी है और अब कर्नाटक की बारी है। बीजेपी के प्लान के बारे में जानकर आप भी हिल जाएंगे। सिद्धारमैया की सबसे खास बात उनकी क्लीन इमेज है, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। राजनीति में ऐसा बहुत दुर्लभ ही कोई होता है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी ना लगे हों। वहीं डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत 19 से ज्यादा मामले दर्ज है। सीबीआई भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस चाहकर भी डीके को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है और उसकी वजह है ये धाकड़ ऑफिसर जिसे कर्नाटक से पीएम मोदी ने दिल्ली बुलाया है। अभी तक आईपीएस प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी रहे। डीके शिवकुमार ने प्रवीण सूद को निकम्मा और बीजेपी के लिए काम करने वाला अधिकारी कहा था। दोनों के बीच दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये दुश्मनी ऐसी हो गई थी कि डीके शिवकुमार ने ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले इस अफसर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कर्नाटक चुनाव हारने के बाद ही मोदी सरकार ने प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। ऐसे में डीके शिवकुमार अगर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो कांग्रेस को डर है कि सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद डीके के खिलाफ कार्रवाई प्रवीण सूद जरूर करेंगे। सोनिया गांधी भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का आरोपी है। सूत्र बताते हैं किसी को देखते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पहले के 2.5 साल सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, लेकिन डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि सबसे पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इसी बीच कांग्रेस के अंदर चल रहे युद्ध का बीजेपी फायदा उठाने में लग गई है। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने कर्नाटक के 5 बड़े नेताओं को ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए मैदान में उतार दिया है। तो क्या करारी हार के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? क्या ऐसा हो सकता है, इसे समझिए। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। 135 सीटों के साथ इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर आई है। बीजेपी के पास सिर्फ 66 विधायक हैं। मतलब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में करीब 46 विधायक और चाहिए। डीके शिवकुमार ये संकेत दे चुके हैं कि उनके पास करीब 70 विधायकों का समर्थन है। अगर डीके शिवकुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर मना लेती है तो कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी से पहले ये फार्मूला महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर आजमा चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में भी बीजेपी तोड़फोड़ की सरकार बना चुकी है। कर्नाटक में जनता के वोट से भले ही बीजेपी चुनाव हार गई हो, लेकिन अब लगता है शाह की चाणक्य नीति से बीजेपी फिर सत्ता में आ सकती है। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी को भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की खबर लग गई है और अगले 24 घंटे के अंदर हिमाचल प्रदेश से सोनिया गांधी सीधे दिल्ली आ सकती है। जिस तरह के हालात हैं, क्या आपको भी लगता है कि कर्नाटक में सच में बीजेपी सरकार बना सकती है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।